सब्जेक्टिव शीट नंबर 37 का फोर्थ क्वेश्चन कुछ ऐसा है। कार जिसका मास ना 2000 केजी है इज लिफ्टेड अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, 30 मीटर उसे ऊपर उठाया बाय अ क्रेन इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर। अ सेकेंड क्रेन डज द सेम जॉब इन 2 मिनट, तो जो दूसरी क्रेन है वही काम 2 मिनट में करती है। क्या करती है? हाइट 30 मीटर पे एक ऑब्जेक्ट को उठाती है। डू द क्रेन्स द सेम और डिफरेंट अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज़ करती हैं? मुझे एक चीज़ का आंसर दो, दो क्रेन क्या करती हैं? एक ऑब्जेक्ट को एच हाइट पर लेके जाती हैं, तो क्या उनका वर्क डन सेम रहेगा दोनों का? कि जो दो क्रेन डिफरेंट हैं क्या वो डिफरेंट वर्क डन कर रही हैं कि सेम कर रही हैं? क्या कर रही हैं वर्क डन? कितना? MGH। पहली क्रेन ने एच हाइट तक ऑब्जेक्ट को लेके जाना है, दूसरी क्रेन ने भी एच हाइट तक ऑब्जेक्ट को लेके जाना है, तो MGH और MGH सेम है, तो वर्क डन सेम है। वर्क डन का मतलब जो एनर्जी फ्यूल बर्न करके आएगी वो भी एग्जैक्टली सेम है, तो फ्यूल भी सेम है, वर्क डन भी सेम है। लेकिन एक क्रेन ये काम 1 मिनट में करती है, दूसरी क्रेन ये काम 2 मिनट में करती है, जो जल्दी करती है वो वर्क डन जल्दी करने वाली की पावर ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पावर क्या होती है? MGH बाय टाइम। टाइम अगर कम लगेगा तो पावर ज़्यादा होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा तो पावर कम होगी। तो एक की पावर ज़्यादा, एक की पावर कम। अब एक यानी कि फ्यूल जल्दी खा जाएगी आपका, बर्न करके फटाफट काम कर देगी, और एक लेट करेगी, तो वर्क डन दोनों का सेम, फ्यूल दोनों का सेम, पर पावर दोनों की डिफरेंट। एक जल्दी काम करेगी, एक लेट करेगी। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें और कोई? सेवन्थ हो गया, सेवन किसी का वो है सेवन्थ। सर सिक्स में भी डाउट है। सिक्स में भी डाउट है, ओके। सिक्स, ट्यूबवेल पंप्स आउट 2400 केजी ऑफ वाटर पर मिनट। तो एक ट्यूबवेल है और 2400 केजी ऑफ वाटर पर मिनट बाहर निकालता है। तो ये आपका एक ट्यूबवेल है, ये ट्यूबवेल कितना मास बाहर निकाल रहा है वाटर का? 2400 केजी पर मिनट का मतलब टाइम भी गिवन है, कितना? 60 सेकेंड। इफ वाटर इज कमिंग आउट विद अ वेलोसिटी ऑफ वी की वैल्यू कितनी? 3 मीटर्स पर सेकेंड। व्हाट इज पावर ऑफ द पंप? देखो ये जो वाटर बाहर निकल रहा है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है? 1/2 × mv². तो यही वर्क डन है और यही काइनेटिक एनर्जी है। तो जो पावर होगी इसमें वो इसमें क्या होगी? विल बी इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या? टाइम। एनर्जी बाय टाइम इज इक्वल टू 1/2 × मास। मास क्या है? 2400। वेलोसिटी क्या है? 3 का स्क्वायर। टाइम क्या है? 60 सेकेंड। तो ये आपके पास क्या आ गई? इतनी वॉट्स पावर आ गई। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ये निकालना है आपको, पावर निकालनी है। अब अगर हाउ मच वर्क इज डन फॉर 10 आवर, इस पंप ने कितना काम किया? पावर तो आ गई, वर्क डन कितना हुआ? देखो जो पावर होती है वो क्या होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो बोलो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी? पावर इंटू टाइम, इंटू टाइम। तो पावर हमें पता है, टाइम 10 आवर, 10 आवर का मतलब 10 × 3600 सेकेंड्स। आंसर जूल में आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है? तो पहले पावर निकाल ली और फिर वर्क डन निकाल ली। आंसर कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपने। ठीक, मिलता जुलता है, सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर भेज रही है लो। तो क्वेश्चन है, फिर से आपके पास एक पाइप है और पंप पानी बाहर निकाल रहा है। ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस पोर्शन का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए। और लिक्विड बाहर निकल रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, तो वी से बाहर निकल रहा है और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक, आपको निकालना है कितनी पावर जनरेट होगी या कितनी पावर पंप काम करेगा ताकि पानी बाहर निकले। गिवन डेंसिटी इज रो, डेंसिटी रो है इसकी, तो ये आंसर निकालो क्या होगा। और इसके अंदर ये भी लिख सकते हो, बस जरूरत नहीं है। ठीक है, हो गया। आंसर क्या होगा इसका?
हाँ जी ऐसे कुछ आएगा। देखो इसमें जो पावर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। सेम क्वेश्चन है, एनर्जी क्या पुट करेंगे, हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम। इसके अंदर ये टर्म क्या है, मास अपॉन टाइम। क्या हमने मास पर यूनिट टाइम फोर्थ चैप्टर में किया था? किया था। कहाँ किया था? हमने निकाला था वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम क्या है, एरिया इनटू वेलोसिटी। चेक कर सकते हो फोर्थ चैप्टर के अंदर, फॉर्मूला बुकलेट के अंदर नोट भी करवाया था, ऐसे भी करवाया था। एरिया का मतलब क्या होता है, मीटर का स्क्वायर, और वेलोसिटी का मतलब क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो क्या आएगा यहां पर, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये क्या है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, तो याद रहेगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी आपको क्या देगा, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। तो मास फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होगा, मास फ्लोइंग पर सेकेंड का मतलब मास क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन टाइम। तो वॉल्यूम पर सेकेंड क्या है, एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू डेंसिटी। तो ये क्या आ गया आपके पास, मास फ्लोइंग पर सेकेंड। तो पुट कर दो यहां पर, मास फ्लोइंग पर सेकेंड में हाफ, मास फ्लोइंग पर सेकेंड की जगह क्या, एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू डेंसिटी इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो हाफ इनटू एरिया इनटू डेंसिटी इनटू वेलोसिटी का क्यूब इज द आंसर। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? सॉलिड्स की होती हैं, लिक्विड की नहीं होती, पानी की नहीं होती, सरफेस मास जैसे सॉलिड्स के लिए वैलिड है ये सारा। हाँ जी ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो सर, इसमें वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, फोर्स का ए बी स्क्वायर रो वाला, फिर उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके पावर आ जाएगा, पावर से फोर्स इनटू वेलोसिटी करके। नहीं फिर से बोलो कहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे आपने फॉर्मूला करवाया था इस सारे क्वेश्चन में कि फोर्स का फॉर्मूला होता है ए बी स्क्वायर रो, तो नहीं वो पावर तो का फॉर्मूला होता है नहीं, फोर्स इनटू, वो तब था जब एक लिक्विड बाहर निकलता है और दीवार पे पानी फेंकता है, दीवार को क्या फोर्स यस लगी ना, नहीं कर सकते इसमें। यस हाफ का फर्क आएगा ना, हाफ नहीं आएगा उसमें, चेक करो। ओके सर, क्योंकि लिक्विड ओके इंस्टेंटली सर, काइनेटिक एनर्जी लेके बाहर निकल रहा है, क्वेश्चन फोर्स यस का रही है, क्वेश्चन एनर्जी का है, तो काइनेटिक एनर्जी से ही होगा ये, ठीक है ठीक सर, है, क्योंकि आप लगा रहे हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे पता नहीं, और ये सॉलिड थोड़ी ना है कि इस ऑब्जेक्ट ने इतने डिस्प्लेसमेंट कवर की, तो लिक्विड है तो काइनेटिक एनर्जी से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखो 7th क्वेश्चन तो देखने का ही है, मुश्किल लेकिन है नहीं इतना मुश्किल, वैसे बताऊं मैं आपको, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ना देखने में बस ऐसे होते हैं कि यार, जैसे वो एफिशिएंसी वाली प्रॉब्लम हो गई, कोल कितना बर्न किया हुई प्रॉब्लम हो गई, या और ऐसी कई प्रॉब्लम हैं थोड़ी ना देखने में इरिटेट करती हैं। एफिशिएंसी तो बहुत करती है, क्योंकि ये नहीं पता लगता कि कौन सी आउटपुट पावर और कौन सी इनपुट पावर है, उसमें थोड़ी उलझन सी लगती है। तो ठीक है, 5-7 क्वेश्चन तो हर चैप्टर के अंदर होते ही हैं, उनमें से कई लोगों को लगता है ये भी है नहीं, ये नहीं है, ये आसान है। मैन साइकिल्स अप अ हिल जिसकी स्लोप है 1 in 20, तो जब हमें ये गिवन होता है 1 in 20, तो इसका मतलब ये होता है साइन थीटा इज 1/20, साइन 1 in 20 का मतलब साइन थीटा 1 in 20, 1/20, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई। आपको क्या करना है इसमें, वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से एक साइकिलिस्ट ऊपर जा रहा है 6.4 किलोमीटर पर आवर, तो इस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है,
वेट ऑफ मैन एंड साइकिल 98 केजी है, फाइंड वर्क डन पर मिनट, तो एक मिनट में कितना वर्क डन निकाल लें, ठीक है। तो जो पावर है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो हमने तो वर्क डन निकाला ना पर मिनट, वर्क डन पर मिनट समथिंग रिलेटेड टू पावर ही तो है, वर्क डन अपॉन टाइम। पर चलो हमने वर्क डन निकालना है जूल में, आप पावर निकालो एक मिनट के लिए, वर्क डन बाय टाइम हमने किया था। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। तो आपके पास क्या आ गया, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से वो ऊपर चढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियसली कोई फोर्स लगाएगा ऊपर चढ़ने के लिए। कौन सी फोर्स इसको नीचे खींच रही है, एम जी साइन थीटा, और फ्रिक्शन तो है नहीं। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ये बंदा ऊपर जा रहा है तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड कितनी है ऊपर जाने के लिए बिना एक्सेलेरेशन के, एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन 30 फोर्स ही ऊपर लगेगी तभी ऊपर जाएगा, तो फोर्स की जगह एम जी साइन थीटा। वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में 6.4 किलोमीटर पर आर गिवन है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, मल्टीप्लाई करके क्या जाएगी पावर, तो पावर की वैल्यू आ जाएगी। तो 60 सेकंड में वर्क डन निकालना है, तो पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन क्या होता है, पावर इनटू टाइम। पावर आपने निकाल ली, टाइम आपको पता है, मल्टीप्लाई करके जूल में आंसर आ गया, दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो कभी भी साइक्लिस्ट वी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा तो पावर का फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी पुट करना है। चाहिए कॉस थीटा आपको, तो साइन थीटा वन नहीं, वो एक ही स्टेटमेंट है, इन कॉस थीटा गिवन नहीं होता, साइन 1 in 20 साइन थीटा है। ग्रेडियंट वर्ड आ जाए या स्लोप आ जाए वो टेन थीटा है, ग्रेडियंट 5 डिग्री, ग्रेडियंट 30 डिग्री, तो इंक्लाइन प्लेन का एंगल 30 डिग्री, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 में नाइन्थ हिंट, नाइन्थ का दिया था, फिर देखो क्वेश्चन है कि एक बॉब है ऑफ अ पेंडुलम ये रहा, और वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो ये इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। तो यू इज इक्वल टू जीरो, इफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 1.5 मीटर, व्हाट विल बी द स्पीड विद विच द बॉब अराइव्स एट द लोअर मोस्ट पॉइंट पी। तो यहाँ से बॉब कहाँ आ रहे, नीचे। तो अगर एनर्जी लॉस ना हो तो क्या सिखाया था, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम, यहाँ पर और यहाँ पर सेम एनर्जी कंजर्वेशन बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एम जी एच, काइनेटिक जीरो, यहाँ पर काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल जीरो। तो कायदे से अगर एनर्जी लॉस ना हो तो एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर आंसर है, पर एनर्जी लॉस है कितना 5%, तो 5% एयर की रेजिस्टेंस खराब कर देगी। तो यहाँ पर एनर्जी इसका मतलब है कितनी, एम जी एच। अगर एनर्जी लॉस ना होता तो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाती, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर एम जी एच का 95% कन्वर्ट होगा काइनेटिक में, 5% तो खराब हो गया, तो बचा कितना 95%। तो 95% ऑफ एम जी एच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, एम से एम कैंसिल हो गया, सॉल्व करके क्या आ गया, वी की वैल्यू आ गई। तो इसमें जी और एच को पुट करेंगे तो आंसर 5.2 आ जाएगा, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th में हमने किया नहीं, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर करेंगे, अबाउट 4 × 10^10 kg मास गिवन है, मैटर पर सेकेंड इज कन्वर्टेड इंटू एनर्जी इन अ सन, सन के अंदर कोई मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितनी एनर्जी कन्वर्ट होगी, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और डिवाइड बाई टाइम करेंगे तो उसकी पावर आ जाएगी, बस ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर लगेगा। फिर सी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10^8। नेक्स्ट 17th के अंदर पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर, एक तो ना पंप ने बहुत तंग किया हुआ यार, पंप एफिशिएंसी। तो फिर से एक बार वही क्वेश्चन जो करवाया गया था, लेकिन घर जाके भूल जाता है स्टूडेंट, कोई बड़ी बात नहीं है, ये वही क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम हमने ये किया था। पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर, तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पंप है, और इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो पंप है ये टैंक फिल करेगा 30 m³ in 15 minutes। तो 30 m³ टैंक फिल किया जाएगा कितनी देर में, 15 मिनट में। इफ टैंक इज 40 m अबव द ग्राउंड एंड एफिशिएंसी ऑफ द पंप इज 30%, तो टैंक जो है 40 m ऊपर ग्राउंड से है एंड एफिशिएंसी 30% है इस पंप की, यानी कि 30% ये काम करता है, बाकी सब खराब कर देता है, हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड। अब एफिशिएंसी के दो फॉर्मूलाज हैं,
या तो आप यूज करोगे आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, या आप यूज करोगे आउटपुट वर्क डन बाय इनपुट एनर्जी, कि एनर्जी लेके कोई काम किया जाता है। आउटपुट वर्क डन बाय इनपुट एनर्जी, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, ठीक है। अब इस केस में ये जो टैंक है, वॉल्यूम गिवन है, टाइम गिवन है, हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप, पंप कितने इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम कर रहा है। अब ये बताओ इनपुट पावर की आउटपुट पावर, अब खुद पंप बन जाओ एक मिनट के लिए, सोचो आप पंप हो, मैं आपको लेके आया हूँ भाई चल भी काम कर, तो आपको कैसे बिजली तो दो तभी काम करूँगा कुछ, तो ये कौन सी एनर्जी हुई आउटपुट की, इनपुट, इनपुट आपको दो पंप के लिए, तो आप पंप तो आपसे ले रहे हैं ना, तो इनपुट है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट है, आउटपुट में कुछ काम करके दिखाएगा, पानी को ऊपर चढ़ाएगा, आउटपुट पावर बिजली कैसे हो सकती है, मतलब बिजली लेगा और बिजली दे देगा, ये फिर क्या करूँगा ऐसे पंप का, पानी चढ़ा भाई, तो पानी चढ़ाएगा तो आउटपुट पावर क्या होगी इसमें, वो जो वर्क डन करेगा अपॉन टाइम, वर्क डन क्या करेगा एमजीएच, पानी ऊपर चढ़ाएगा 40 मीटर एमजीएच अपॉन टाइम, ये इसका आउटपुट पावर है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें कौन सी एनर्जी है, इनपुट एनर्जी है। तो इस केस में एफिशिएंसी में इनपुट पावर आपको निकालनी है, एफिशिएंसी 30% गिवन है, आउटपुट पावर की वैल्यू इसमें हम निकालते हैं। कैसे, मुझे इस क्वेश्चन में टैंक का वॉल्यूम तो गिवन है, मुझे इस क्वेश्चन में टैंक का वॉल्यूम गिवन है, टैंक का मास नहीं गिवन, पानी नहीं का मास नहीं गिवन। तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम 30 है और डेंसिटी पानी की कितनी है 1000, तो पानी की डेंसिटी ये याद करनी पड़ेगी। तो मास आ गया, मास आ गया, तो एफिशिएंसी इज आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, इनपुट पावर आपको निकालनी है, आउटपुट पावर क्या है एमजीएच बाय टाइम। तो आपको मास पता है, जी पता है, हाइट पता है और टाइम पता है, तो यहाँ से सारी चारों वैल्यूज पुट करके क्या आएगा, इनपुट पावर आ जाएगी आंसर। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? मैथ्स जैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, ह्यूमन हार्ट। हाँ हाँ कोई सो क्या, आप नॉर्मल हो भाई, आप नॉर्मल हो, कहीं सोचो कि पता नहीं मैं द्वारा पूछ रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन द्वारा लायक ही होते हैं किसका इसका। देखो तो क्वेश्चन है, देखो ह्यूमन हार्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, वो जितना इरिटेटिंग लगता है पढ़ने में, वो उतना करने में इरिटेटिंग नहीं है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ, स्टेटमेंट बड़ी अजीब है, हम ना यूज टू नहीं है कि ह्यूमन, देखो हम यूज टू हैं, एक बक्सा है, एफ फोर्स लगाई 10 मीटर चला गया, एफ इंटू एस आंसर, वर्कडन आ गया, हमें वर्कडन ऐसे ही निकालने आते हैं। लेकिन हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, गैसेस का और लिक्विड का जो वर्कडन होता है उसका कैलकुलेट करने का तरीका ही कुछ और होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ये तरीका होता है। तो ये अब ये आपको अजीब लगेगा, यार ये भी याद करना पड़ेगा, अब ये और कहाँ कहाँ लगेगा। देखो ब्लड हार्ट में से निकल के ऐसा नहीं सॉल्व होता, मैंने ब्लड पे फोर्स लगाई, ब्लड ने 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, तो वर्क डन एफ इनटू एस है, कैसे होएगा यार। ब्लड का क्या होगा, प्रेशर, ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर में क्या होगा, वॉल्यूम हार्ट में से तेज निकलेगा, तो एक मिनट में 80 बार वो बीट करता है, और एक बीट में 75 ml ऑफ ब्लड वो बाहर निकाल देता है। तो वर्क डन क्या करता है, आपको हार्ट की पावर बतानी है क्या है, तो पावर का फॉर्मूला सिंपल है, वर्क डन अपॉन टाइम, एक मिनट में पावर निकालनी है तो टाइम की जगह 60 सेकेंड। वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, अब वॉल्यूम कितना है वो मैंने आपको बता दिया 750 ml, 750 ml को आप मीटर
क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो 10 की पावर -6। अब बात है प्रेशर की, प्रेशर रीड करने की हमें आदत नहीं है, हमें अच्छा लगता है हमें कोई पास्कल में दे दो काम ही खत्म करे, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दे काम खत्म करे, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रेशर पढ़ाने का ये तरीका है देने का। जैसे अगर प्रेशर गिवन है 0.1 मीटर ऑफ मरकरी, तो एच रो जी का फॉर्मूला करवाया था मैंने, एच इंटू डेंसिटी इंटू जी, याद रखें हाइट 0.1, क्योंकि 0.1 किसकी हाइट है, मरकरी, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी। ऐसी वाटर के गए इसमें 0.1 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, राइट। तो एच रो जी क्लियर है यहाँ तक, तो ये आपके पास पावर की वैल्यू आ गई। अब इसमें पावर एक बीट में पावर की वैल्यू क्या, जो वर्क डन होगा वो क्या है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ओ पावर बोल दिया सॉरी, प्रेशर की वैल्यू आ गई यहाँ पर। तो प्रेशर मरकरी का गिवन है 0.1 मीटर ऑफ मरकरी, तो 0.1 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी क्वेश्चन में गिवन है 13.6 × 10³ इंटू जी। तो ये क्या आ गया आपके पास, प्रेशर की वैल्यू आ गई, प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया 1 बीट की वैल्यू आ गई, 1 बीट इंटू 80 करेंगे तो 80 बीट्स में किसकी वैल्यू आ गई, वर्क डन की वैल्यू आ गई 80 बीट्स में। क्यों 80 बीट्स, क्योंकि टाइम आपने 60 सेकंड यूज़ किया है, तो टाइम 60 सेकंड में वर्क डन 80 बीट्स का निकलेगा, 80 से मल्टीप्लाई कर दो, पी इंटू वी आंसर आएगा, कैलकुलेशन आपकी अपनी अपनी, ठीक। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है, और कोई क्वेश्चन इसमें?